फकीर के रूप में फरिश्ता भगवान हमेशा भक्त की सहायता करने जरूर आते हैं। मैं कई दिनों से बेरोजगार था, एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। मुझे कम से कम 200 रुपए की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर पहन, अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के निकला। लिफ्ट ले पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद में स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी, क्या करूंगा, अब कैसे पहुंचूंगा। पास के मंदिर पर जा पहुंचा, दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास में ही एक फकीर बैठा था, उसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज़्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नज़रें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या। मैं बनावटी मुस्कराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे। चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो, वो मुस्कराता बोला। मैं चौंक गया, उसे कैसे पता मेरी ज़रूरत। मैंने कहा, क्यों। बोला, शायद आपको ज़रूरत है, वो गंभीरता से बोला। हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या, तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो, मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं, मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ, वो सहज था कहते कहते। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो। ज़रूरतमंदों की मदद करने कहते हुए वो मंद मंद मुस्करा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो जाए तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहाँ से अपने गंतव्य पर पहुँचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सेलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया, सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूँ। मैं मंदिर पहुँचा, बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुँचा, देखा वही फकीर मरा पड़ा था। मैं भौचक्का रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ। पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और ना ही उन्हें खरीदने के लिए पैसे। मैं अवाक सा उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया, जिन पैसों पे उसकी ज़िंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से मेरी ज़िंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मेरी आंखें डब डबा आईं, वो भिखारी कहाँ था, वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता, मेरा भगवान। मित्रों, हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है, किसने देखा है भगवान को, बस इसी तरह मिल जाते हैं।